तो ये है। एक मिनट मम्मी बाहर जा, तुम निकल यहां से। चार बज रहे शाम के, आपने अभी तक काम नहीं किया। चलिए बताओ, सी यू एन एस ई एन टी। चल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। ओह माय गॉड, आज मेरे चेहरे का ग्लो देख लो, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को होम टूर चाहिए, और जिस दिन से मैं इस घर में आई, मैं छोटी छोटी चीजें दिखा रही हूँ आपको घर की, बट होम टूर आज तक नहीं दिया। और मुझे लगा यार इतना क्या वेट कराना यार, अगर होम टूर करना है तो फिर करती हूँ, और आज करती हूँ। और ऐसे आग फाड़ के कौन लगाता है, ऐसे करके हल्का सा गिराते ना, मैं लगाऊ खोलो और मुंडी भी तो ऊपर रख। सो गाइस, मैं आज आपको होम टूर दूंगी, और आज आपको देखने को मिलेगा मेरा घर कैसा है और कैसा लगता है। रूम का भी टूर दूंगी। कहाँ जा रही है? गुनगुन मेरी वीडियो शूट करेगी, और मम्मी से मिलवाती हूँ, जैसे मम्मी को पता चला ना कि मैं होम टूर करने वाली हूँ। नहीं दिखा रही ना, वो सब दरवाजे को खोलना ये मम्मी ने टांग दिए भाई, हैंगर में कपड़े लगा दिए सारे। कह रही है मम्मी ने क्लियरली बोला है, जो तूने पिछले घर में हरकत करी थी, अगर तूने इस घर में कर दी तो तुझे जान से मारूंगी। चाबी क्यों लगा रही है उस कमरे की चाबी लगा रही है। कह रही है छोड़ो इसको, मैं अपने पास रखती हूँ। बंद कर, चाबी मुझे चाहिए। वो लाश फेंक रखी है उस कमरे में, जो इतना डर लग रहा है। हर किसी के घर का एक कमरा ऐसा होता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आ जाओ ना, इसमें एयर होना करने की क्या जरूरत है। ऊपर आऊंगी आपसे तब मैं मिलवाऊंगी। अभी नहीं, तेरा कुछ ना पता क्या दिखा देगी नीचे, मतलब बिल्कुल ट्रस्ट नाम की चीज नहीं। और मैं नीचे क्या उल्टा दिखाऊंगी यार। तू पागल है, एक गिर पड़ेगी, बचाऊंगी भी नहीं। चल बता इस पे चल रही है ये जो हल्की सी यहाँ पे। सो गाइस, ये है हमारा घर जिसपे हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो सबसे पहले है ये मेन एंट्रेंस के लिए गेट, जो अगर आप हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे नहीं घुस पाओगे, क्योंकि इसकी चाबी ऊपर है, वो टेलीकॉम पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने घर पे ये लगाया हुआ है, यहाँ पे नरसिंह भगवान की ये फोटो, जिसको हम ऐसे करके हटा भी सकते हैं और चिपका भी सकते हैं। हटाना क्यों है, मेरी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया हरे कृष्णा का ये छोटा सा एक स्टिकर। ओके गुलीज, सो ये है हमारी बेलकनी, और यहाँ पे मेरे पौधों की चोट सूखी पड़ी है, पता नहीं कैसे सूख गए यार, वहाँ पे इतने अच्छे से चहचहा रहे थे और यहाँ पे आते ही सूख गए। और यहाँ पे ये हमने केन रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे तो पानी का कोई भी कनेक्शन नहीं था, पीने का पानी नहीं था, तो हम लोग कैन मंगाते थे। और ये है हमारी बेलकनी भाई, रात को यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ये लड़ी जला देती हूँ ऐसे करके। अभी नहीं दिखेगी, हल्की हल्की शायद तुम्हें दिख भी रही होगी, इसकी चौंध दिख रही है, नहीं बहुत लाइट दिख रही है, ये देख रहे हो ऐसे करके ये जल रही है, ये देखो तो अच्छा लगता है। बस एक प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे पूरी सोसाइटी की जो गली है इतनी अंधेरे से जनक रहती है कि यहाँ पे ना बंदा दिखता ना कुछ दिखता। अकेले एक बार आशु जाता, वो डर गया, उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। तो ऐसा होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं अपनी ये वाली बालकनी की लाइट जला के रखती हूँ, ताकि थोड़ी सी उजाला रहे बस। अब है हमारा ये वाला गेट, अंदर ही रह गया बाहर यार, यहाँ ये वाली दिक्कत है। ये है हमारा ड्रॉइंग, आपको थोड़ा सा पास से सारी चीजें दिखाती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारा अपना पहले ड्राइंग रूम में बहुत सारा खर्चा किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ अंदर। सबसे पहले है ये मेरा एस्थेटिक सा कॉर्नर यार, ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, और उसके बाद मैं इसकी इतनी जबरदस्त वाली फैन हो गई कि मुझे था कि यार पेट अंदर जो मेरा घर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कुछ करूंगी। सिर्फ 200 रुपीज का था ये वाला, तो और ये प्लांट थे 50-50 रुपए के, बट देख रहे हो ये कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आप लोगों को पता है इन फ्रेम्स के बारे में कि ये मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे, ये 50 रुपीज का, ये 20, ये 20 या ये 10, ऐसे 10 या 20 रुपीज के थे। खरीदी है 280 रुपए की। ये पैलेट जो है ब्राउन कलर की है, जैसे वो नहीं होता लकड़ी का ऐसी फ्रेम वाली है, बस आम की पेटी टाइप। हाँ, जैसे आम की पेटी होती है वैसी ये पैलेट है, लंबी सी, और इसके ऊपर ये मैंने दो गद्दियां रखी हुई है, और ये ऐसे क्यूट वाले अंग्रेजी राजस्थानी वाले रखे हैं। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, रात को मैं इसको जला के पढ़ाई करती हूँ। सो प्लीज, ये जो है हमने खरीदी थी यार, पता है मेरी एक दोस्त है जो 1500 रुपए की कैंडल लेके आई थी, मैंने बोला ऐसी सेंटेड कैंडल मुझे भी चाहिए, तो मम्मी ने बोला खरीद ले, पर 1500 की नहीं, सिर्फ 100 की, ठीक है, तो ये 100 रुपए की थी। और गुलीज, ये जो मैंने पौधा लिया है ये भी 50 रुपीज का था, और ये जिसका गमला था ये सिर्फ 10 रुपीज का था। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, जो कि है सबसे अच्छी चीज। अच्छा टेलीकॉम देखा। हेलो, पागल हो रही है क्या? तो यहाँ पे देखो, इसमें ना एक अलग सी चुंबक है, करूंगी इसमें एक अलग सी चुंबक है, ऐसे चिपकता है, तो ये हर लगे से दीदी होता है। मेरे में
ठीक है। और इतना काम की चीज है, पहले मैं से बेचने का सोच रही थी कि नहीं मैं नए घर में जा रही हूँ तो नया लेके आऊंगी। टेबल और टेबल पे रखा हुआ मैंने एक क्यूट सा पौधा जो कि आई गेस 80 या 90 रुपीज का था, बहुत मुझे पसंद है। और ऐसे मुझे छोटे छोटे प्यारे से पौधे भी पसंद है। उसके बाद आते हैं हम अपने इस वाले कॉर्नर की तरफ। मेरे ये बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पे सारे फ्रेम्स लगाए हुए हैं जो कि मैंने मंगाए थे अमेज़न से, कुछ 260 रुपीज के सारे फ्रेम्स थे। और हमारा फिर रग नहीं कहते से टांगने वाली अंदर क्या कहते हैं, पता नहीं मैं भूल गई कुछ है, तुम खुद समझ जाओ। मम्मी की फोन की घंटी देख लो, कौन है। तो मैं दिखाती हूँ मैं आपको अपना प्यारा सा ये मंदिर। और मंदिर के लिए हमने ये ड्रॉर भी जो उस दिन व्लॉग में दिखाया था ये खरीदी है। और पता है हर किसी से मैं पूछ रही हूँ ड्रॉर कितने की, सब बोल रहे हैं 8,000 10,000, ये सिर्फ 4,000 रुपए की ड्रॉर है और इतनी स्पेशियस है। अंदर से देख लो कैसी है। और ये है हमारे कानू, और ये है गुरु परंपरा, ये लक्ष्मी गणेश जी है, और ये है हमारे नरसिंह भगवान, और ये है दामोदर भगवान, और ये है दामोदर भगवान के साथ कौन है उनकी माता, यशोदा। पता है क्यों नहीं पता है, अनपढ़ समझ गए। मंदिर और मंदिर के अंदर रात को हम ऐसे लाइट नहीं चलाते हैं जो कि इतनी क्यूट लगता है, हमारे कानू डांस करते हैं अंदर। और ये ड्रीम कैचर है और उसके साइड में वही लगाया हुआ है। और यहाँ पे लगाया हुआ है एक और हमने पौधा जिसको इंडोर प्लांट बोलते हैं, बट इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है। पर अब आता है ये एस्थेटिक सा कॉर्नर एक और। यार मैंने पूरे घर में ट्राई ये किया कि मैं थोड़ा थोड़ा एस्थेटिक बनाऊं सारी चीजें। ये मैंने अमेज़न से खरीदा था और ये सबसे ज्यादा मुझे गंदी इन्वेस्टमेंट लगती है क्योंकि 1700 रुपए का था। सारी चीजें मेरे घर में 500 से ऊपर की नहीं है और ये 1700 का है तो अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं हम अपने किचन की तरफ। पहली बार जिंदगी में मॉड्यूलर किचन आया है, कभी लाइफ में कभी। हाँ किचन में क्या है तो किचन दिखाएंगे। ये है हमारा फ्रिज। तो कभी साफ होता है, पिछले होता है, पिछले घर में था। पिछले घर में भी नहीं था। देखो हीरो फ्रिज। ये है हमारी पहली ड्रॉअर। अरे भाई हमारी खोल के कौन दिखाता है, मैं दिखाती हूँ, वो लोग यही कहते हैं। ठीक है ये वाली है, एक है ये, ठीक है, और एक है ये वाली। बस कर देगा वो, बहुत सारे सामान है हमारे घर में, तो वो देखो खोल के भी है। यार ऐसे किसी के व्लॉग को खराब नहीं करते यार, इधर जाओ। मम्मी ऐसे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार, चलो बेइज्जती है करवानी ये मम्मा। इसमें 4 बज रहे शाम के, आपने अभी तक काम नहीं किया। ये है हमारी सारी, और इसके अंदर सबके अंदर सामान रखा है, और यहाँ पे भी हमने आलू वगैरह रखा हुआ है। इस बारी गाइस हम लोगों ने थोड़ा सा खर्चा अपना ज्यादा किया है, जो पहले उसके डब्बे थे उससे शिफ्ट हो गया, हम ये वाले डब्बे लेके आए हैं। पर मम्मी अभी भी कुछ कुछ चीजें नहीं छोड़ती। डब्बे कहाँ गए सारे? मम्मी मम्मी डब्बे कहाँ हैं? जल्दी मैंने सारे फेंक दिए, होम टूर की मैंने रात को फेंक दिए सारे। देखो पड़े तो सुबह लेके चला गया। ये ना हमारे लिए लंच बॉक्स खरीदवाया था, पर आज तक इसमें खाना नहीं खाने देती, कहती है तेरे बच्चे खाएंगे। तो फिर सवाल की क्या खाए थे टाइम के लिए? मेरी मम्मी की ना एक आदत है, जैसे पापा मैं और दीदी सब परेशान है, ऐसी छोटी छोटी कटोरियां लेगी और उसके अंदर ना ये सब रख देगी। छोटी छोटी कटोरी लेगी, इसमें तेल भर के रख देगी, किसी में जीरे का छोका लगा के रख देगी। टूथब्रश रखे रहते एक दिन। मम्मी ने रात को मेरे टूथब्रश से ब्रश करा और पता क्या कहती, कहती मुझे पता ही नहीं है तेरा बेटा, फिर आपने क्यों टच किया, क्या पता है पापा का होता है। तो मतलब क्या कहती, कहती आज के बाद मैं तेरा ब्रश कभी टच नहीं करूंगी। मैंने इसको अभी फेंक दूं, कह रही इसको मत फेंक, मैं कल से इसी से करूंगी। ये मेरा ना थोड़ा सा खराब हो गया, तो ये वाला बिल्कुल नया रखा था, ये नया ये बेटर है इनफैक्ट। ये मेरा ब्रश था यार, कंसेंट तो ले लो इंसान की, ऐसे जीव साफ करने मुझे नहीं होता, वो कंसेंट होता है। स्पेलिंग बताओ, CONSENT। चल भगवान मम्मा रुको, और बन और ये बहुत डरावनी लगती है, जब भी मैं आरती करती हूँ ना यहाँ पे खड़ी होगी कि दिख जाती है।
और मुझे डर लगता है इसका पति टूट गया था, दूसरा तो हमने पूरा फेंक दिया, ये रहने दिया, कब इसको गुस्सा ना आ जाए रहा कि मेरा पति मेरा पति बेच दिया तुमने। है ये कमरा जो कि है मेरा, ये मैंने लिया था अमेज़न से, सबको मालूम है। और यहाँ पे मैंने सारे अपने गुलाब के कपड़े टांगे हुए हैं, वैसे बहुत सारे, पूरी अलमीरा मेरे गुलाब की है। ये देख लो अलमीरा, मम्मा दीदी ने अलमीरा दिखा दी, अलमीरा शर्म आ रही थी, इसको आनी चाहिए। कोई बात नहीं, जब आएंगे ना अभी आपके अलमीरा की तरफ तब देखते हैं, बात करते हैं। कह रही मैं और गाइस ये दोनों इतने बदतमीज है ना, अपनी जब माला देखो कहाँ टांग रखी है। तो कहाँ टांगू मैं, तो मैंने संभाल के अपनी ऑल्टर में रखी हुई है, ड्रॉर में। ऑल्टर में नहीं, अभी मैं इसमें रखूंगी। ठीक है गुलीज, तो ये है मेरी अलमीरा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये मम्मी ने अभी अभी इनके कपड़े जमाए हैं सारे। दिस इज हमारी प्रभुपाद जी, और इसके इतना स्प्रिंग लगा हुआ है, इससे कूदने में इतना मजा। मैंने ना चद्दर ठीक किया, मैं मार दूंगी अब। मम्मी ये मेरी की हुई चद्दर ठीक हो, खराब कर रही है। हमारा ये वाला कॉर्नर जो कि मैंने पूरा एस्थेटिक बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा छोटा सा कक्ष। मिरर यहाँ पे मैंने मिरर लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये तीन चीजें लगाई है, और यहाँ पे लगाया है ये लैंप जो कि रात को जलाते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, मशीन चल रही है, कितना शोर मचेगा। ये गलत, उसको लॉक कर दो। एक तरह से ऐसे रूम की कोई नहीं देता, मामा देता है सब। गाइस ये है मम्मी का कमरा, मतलब नहीं मम्मी का कमरा नहीं, वैसे कोई भी नहीं सोता, हम चारों ही लोग उस वाले कमरे में सोते हैं, और एक और गद्दा डाल लेते हैं साइड में पापा के लिए। तो ये है, एक मिनट मम्मी बाहर जा, तुम निकल यहाँ से। हो अरे वो मेरा है, मेरी है वो। चल मेरी तो फिर भी बेटर है। मम्मी मुझे कैंसर हो रहा है, खोलो इसको। ये टू डू लिस्ट जो मेरी आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, नीचे रख दी हमने इसकी चाबी। ये देखो, ओ यार आज तो लगा रखी है, फिर भी भूस भरा पड़ा है। लड़की का जरा सा भी इतना सा भी काम नहीं करती, अगर एक कपड़ा इसको निकालो सारे खींच देगी, और फिर दिखाती होम टू। और ये देखो, ये मतलब तीन खाने, ये वाला नीचे वाला मम्मा का, ये किसी का नहीं है, झूठ है। तो ये किसका है, किसी और का नहीं है। बदतमीज, ये अभी गर्मी के कपड़े कोई नहीं है, सारे कपड़े इनमें और उसमें रखे हुए हैं। पर ये किसका है, अभी कुछ नहीं है, अभी ये भरे हुए हैं, सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे सबके हैं। क्या हो गया, ये नहीं दिखानी। अच्छा सुन, दिखा, ये नहीं दिखानी, इसमें देख भी गई। एक बात सुन, आप एक बार बंद करके आओ, तू करके एक बार करके जाओ। इसमें मम्मी का मेरी पैन कार्ड पड़ा है, बेइज्जती थोड़ी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, हमने देख लिया वो। और ये है बस रूम, ऐसी है यार, एक छोटा सा। और एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, नहीं सुन, ये है एक अच्छा सा बाथरूम यार, हमने इस वाले बाथरूम के अंदर ये वॉशिंग मशीन रखी है, क्योंकि उस वाले बाथरूम के एथेसिटी हमें खत्म नहीं करनी। और अभी यार यहाँ पे मम्मी की मशीन रखी हुई है सिलाई की, और ये मेरा पीसी रखा हुआ है, और यहाँ पे मम्मा इसका पीसी, जिसपे इसको पीसी में पी भी नहीं आता, जिसको छोड़िए पजामा। हमारा एक और चीज बची है जो कि है ये बाथरूम, और बाथरूम में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इधर जितना भी सामान है, एक रुपए का सामान हमने खुद के पैसों से नहीं खरीदा, सब कोलैबोरेशन, सब कोलैबोरेशन। यार ये पागल ऐसे होता है, बंद अपने घर में रहती है, अनपढ़ कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये मैट्रिक्स और केराटिन तेरे को आता है, किसका है ये मैट्रिक्स और केराटिन, किसका है ये, मेरे गुलाब का है। अच्छा, ये दो चीज है बस, ये नहीं मेरे गुलाब की और ये नहीं है, बाकी पूरा कर रहे हो बस वो बंद हो जाएगा, चुप 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 होने से उसको सुनाई देगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, बस शांति। और गाइस मैं एक ऐसा काम करती हूँ रोज रात को बाथरूम में, मैं रोज रात को यहाँ पे जलाती हूँ एक बाती, बाती हॉट शावर लेने से पहले को बुझाती हूँ, इसको डालती हूँ इसमें, और इसको बंद करके अंदर आना तो नहाती हूँ। अरे पावन यहाँ पे ये हॉट शावर लगा के, क्योंकि इतनी खुशबू आ रही होती है सेंटेड कैंडल की, और ऊपर से आपके ऊपर सिर्फ गर्म पानी पड़ रहा होता है, और गाना मैं चलाती हूँ, तेरा सरापा ऐसा है हमदम कांगे। क्रिसमस लेवल इतना ही था, खत्म हो गया शुरू होते ही। क्या दिखाऊंगा, अब बाय कर दो, ये नहीं दिखाया और कुछ भी रह गया क्या। So yeah, please, that's it for this video. Thank you so much. इस video
वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ऐसे गुस्से में क्यों? कुछ नहीं, चल अपना काम कर। पापा हो गए, मैं वो नहीं डालूंगी बस। हेलो